हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडक्टिव इफ़ेक्ट एंड इट्स टाइप्स। और वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सिलेक्ट कीजिए, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को हम। तो आज की बात कर रहे हैं हम इंडक्टिव इफ़ेक्ट के बारे में। उसको जानने से पहले हम थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास काफ़ी तरह की रिएक्शन होती है जिसके अंदर बॉन्ड टूटते हैं, बनते हैं, उनमें बॉन्ड का नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, पुराने बॉन्ड टूटते हैं। और इस टूटने और बनने के जो बॉन्ड है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक शिफ्टिंग के कारण है। कुछ इफ़ेक्ट है इसके अंदर काम करते हैं इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करने के, कौन सा इलेक्ट्रॉन किस एटम के ऊपर जाएगा, तो उसमें कुछ इफ़ेक्ट काम करते हैं जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट के अंदर पढ़ेंगे। तो इसके अंदर दो टाइप्स के हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट आते हैं। फर्स्ट आता है परमानेंट डिस्प्लेसमेंट, दूसरा होता है टेम्प्रेरी डिस्प्लेसमेंट है। तो परमानेंट के अंदर होता क्या है कि ये इसमें ये लगातार अपने आप ही मॉलिक्यूल के अंदर ऑपरेट होता रहता है, ये परमानेंट होता है। इसको ऑपरेट करने के लिए किसी भी अटैकिंग रिजेंट या किसी और न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल की ज़रूरत नहीं होती है। पर टेम्प्रेरी के अंदर क्या होता है, जब भी हमारे पास कोई इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल या कोई अटैकिंग रिजेंट उस पर्टिकुलर कंपाउंड के पास आएगा तब ही वो इफ़ेक्ट शो करेगा। लाइक इंडक्टोमेट्रिक इफ़ेक्ट और इलेक्ट्रोमेरिक इफ़ेक्ट इसके एग्जांपल है, इसके दो टाइप्स हैं ये। और परमानेंट में हमारे पास इंडक्टिव इफ़ेक्ट, मीजोमेरिक इफ़ेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेटिव इफ़ेक्ट, ये तीन टाइप के इफ़ेक्ट आते हैं। तो हम आज का जो मुद्दा है हमारे पास उसके अंदर हम इंडक्टिव इफ़ेक्ट के बारे में बात करेंगे। तो इंडक्टिव इफ़ेक्ट के बारे में हम मेन जो पॉइंट है वो पढ़ लेते हैं पहले। तो जिसके अंदर जो फर्स्ट बात यही आती है कि इंडक्टिव इफ़ेक्ट को हम आई इफ़ेक्ट या ट्रांसमिशन इफ़ेक्ट भी कहते हैं और ये परमानेंट इफ़ेक्ट होता है। और आई इफ़ेक्ट हमेशा ही सिर्फ सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पे ही एप्लीकेबल होता है और इसके अंदर आई इफ़ेक्ट इज़ एप्लीकेबल ऑन द सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन एंड सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन मूव्स टुवर्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और ग्रुप एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई दिस एरो। इस एरो से हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं जिस साइड भी ये जाता है। तो ये बेसिकली क्या इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का जो क्या है डिस्प्लेसमेंट ही होता है एक टाइप का, और सिग्मा बॉन्ड पे ये एप्लीकेबल है। ठीक है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ ये अट्रैक्ट होगा और आगे हम इसके टाइप भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें डेफिनेशन की हमारे पास बात आती है, क्या कहते हैं, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग अलोंग द चेन ऑफ एटम्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड इन ए मॉलिक्यूल इज नोन एज इंडक्टिव इफेक्ट। तो हम आगे बात करते हैं इसके बारे में, एग्जाम्पल्स के बारे में इसके। यहाँ पर मैंने सिर्फ एक ही एग्जांपल लिया है आपको समझाने के लिए, बुक में काफ़ी सारे एग्जांपल और मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि चार कार्बन है, चार कार्बन के पास में एक क्लोरीन लगा हुआ है। ठीक है, क्लोरीन का जो माइनस आई इफेक्ट, मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होती है कार्बन से। तो क्लोरीन है वो इलेक्ट्रॉन जो ये बॉन्ड पेयर है, जो इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इस अट्रैक्शन से क्या है, एक इफ़ेक्ट जो जनरेट होगा जिसको हम आई इफेक्ट कहेंगे। और ये सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ये कार्बन चेन के अलोंग होता है। ठीक है, ये मैक्सिमम लगभग चार कार्बन के तक ही होता है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी वैसे ही इसका इफ़ेक्ट भी डाउन होता जाएगा। क्लोरीन जो है यहाँ पर जो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या अपनी तरफ डिस्प्लेस कर रहा है। ठीक है, आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो आप बड़ी आसानी से इसको क्या है समझ पाओगे। और ये जो डिस्टेंस, जैसे जैसे इस क्लोरीन से कार्बन की डिस्टेंस बढ़ती जाएगी वैसे ही जो आई इफेक्ट का जो इफ़ेक्ट है वो भी डाउन होता जाएगा। इसी तरह इस चीज़ के लिए कहा गया है कि आई इफेक्ट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के। जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगी वैसे ही आई इफेक्ट डिक्रीज होगा। आई इफेक्ट इंक्रीज है मतलब कि डिस्टेंस उसके अंदर कम है। तो अब हम टाइप के बारे में बात कर लें, इसके टाइप्स ऑफ आई इफेक्ट। टाइप्स ऑफ के आई इफेक्ट के अंदर हमारे पास दो ही टाइप्स आते हैं। यहाँ पर एक प्लस आई इफेक्ट होता है और एक माइनस आई इफेक्ट, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग आई इफेक्ट और एक इलेक्ट्रॉन रिपल्सिव आई इफेक्ट होता है। माइनस आई इफेक्ट के अंदर हम बात करेंगे तो एटम और ग्रुप विच हैव ग्रेटर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग कैपेसिटी देन हाइड्रोजन। तो इससे पहले मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ कि जो आई हमारे पास जो
हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन का आई है वो जीरो माना जाता है। ये एक रेफरेंस लेकर चला जाता है कि हाइड्रोजन एटम है उसका जो आई इफेक्ट है वो ज़ीरो है, और जो इस जो हाइड्रोजन से कम, जो हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग कैपेसिटी जिसकी ज़्यादा होगी उसको माइनस आई इफेक्ट है, और हाइड्रोजन से जिसकी कम इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग कैपेसिटी होगी उसको प्लस आई इफेक्ट का ग्रुप के अंदर डाला गया है। ठीक है, तो जो एटम या ग्रुप है वो जिसकी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग कैपेसिटी है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा होगी उसको माइनस आई ग्रुप में डाला गया, और जिस कंपाउंड के अंदर वो माइनस आई इफेक्ट माइनस आई ग्रुप लगा होगा वो माइनस आई इफेक्ट शो करेगा वो कंपाउंड। ठीक है, तो कुछ माइनस आई इफेक्ट के जो ऑर्डर के अकॉर्डिंग माइनस आई ग्रुप कुछ इस प्रकार ये दिए हुए हैं। ठीक है, इसको आप देख लीजिए। जो प्लस आई इफेक्ट है उसके जो एटम और ग्रुप बीच हैव लेसर इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी देन दी हाइड्रोजन, तो वही बात है जी, इसकी हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग कैपेसिटी है वो कम होगी तो उसको प्लस आई ग्रुप दिया गया, और जिस कंपाउंड में ये ग्रुप लगा होगा तो वहाँ पर प्लस आई इफेक्ट शो करेगा वो। ठीक है, तो इसके कुछ एग्जांपल जो कि मेन हमारे पास जो ग्रुप होते हैं वो इस प्रकार कुछ यहाँ पे दिखाए गए हैं। ठीक है, और अब आगे जो एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट है वो हम इसके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे, और उसके अंदर बात करेंगे एलास्टिक स्ट्रेंथ के बारे में, बेसिक स्ट्रेंथ हो गया। ठीक है, तो इनके जो एप्लीकेशन है जितने भी उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आज की वीडियो यहीं तक, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दी वीडियो।